गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको मैंने रासायनिक आबंध का दो टॉपिक पढ़ाया था, विद्युत सजगता और ससजगता। तीसरा टॉपिक है उप ससजगता। मैंने यहां हिंदी में डिफिनेशन लिख दिया है, उप ससजग बंध बनाने के लिए ससजग अणु का एक परमाणु अपना एक युग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है, इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्षार और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसे अम्ल कहते हैं। बेटा, मैंने कल भी बताया था, ससजग अणुओं के द्वारा ही उप ससजग अणु का निर्माण होता है। ससजग अणु में कोई एक परमाणु अपना एक युग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है। ससजग अणु में कोई एक परमाणु अपना एक युग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे लुईस क्षार कहते हैं। लुईस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे लुईस क्षार कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं, उसे लुईस एसिड कहते हैं। एक बात ध्यान सुने, उप ससजग बंध बनाने के लिए ससजग अणु का एक परमाणु अपना एक युग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे लुईस क्षार कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रोनियम आयन या थ्रीओ प्लस, अमोनियम आयन या एच फोर प्लस, नाइट्रिक एसिड या एनओ थ्री, नाइट्रेट आयन या एनओ थ्री माइनस, एच टू एस ओ फोर, एस ओ फोर डबल माइनस आदि। देखिए वन बाई वन सभी ज्ञापक को पुनः एक्सप्लेन करेंगे, कल भी बताए थे आज भी देख लीजिए। हाइड्रोनियम आयन का बनना, H3O प्लस का बनना, आप लोग जानते हैं H2O में ससजगता पाई जाती है। H2O से बना है H3O प्लस। देखिए ऑक्सीजन के अंतिम में छह इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहां देखिए दो हाइड्रोजन है, छह दो आठ, एक एक दो, एक एक दो। H2O में देखिए बेटा इस समय ससजगता है। अब यहां देखिए H3O प्लस है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिस पर प्लस चार्ज है। इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां देखिए दो हाइड्रोजन के बीच ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, साझेदारी, लेकिन यहां H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसे स्थायी होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देखिए दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां बेटा दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से साझेदारी किए हुए हैं। यहां पर देखिए H प्लस केवल इलेक्ट्रॉन लिया, H2O बेटा लुईस क्षार है और H प्लस क्या लुईस अम्ल। जो परमाणु युग्मित इलेक्ट्रॉन देता है उसे लुईस अम्ल लुईस क्षार कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं। यहां देखिए स्ट्रक्चर बन गया, H सिंगल बॉन्ड हो,
सिंगल बॉन्ड एच, क्वाड्रेंट बॉन्ड एच प्लस। यही देखिए बेटा एच प्लस क्या है, एच प्लस और ओ के बीच क्या बना है, उपसहसंयोजक बंध, और दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंध। ये याद रखिए कई सहसंयोजक बंध हो यदि उसमें एक भी उपसहसंयोजक बंध होगा तो वह उपसहसंयोजकता के अंतर्गत आता है, यह था हाइड्रोनियम का फॉर्मेशन। इसी प्रकार से अमोनियम का फॉर्मेशन NH4 प्लस का बनना, अमोनिया से बना है अमोनियम, अमोनिया में सहसंयोजकता होता पढ़ चुके हो, अमोनिया से ही अमोनियम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बेटा हम अमोनिया बनाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हैं, तीन हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक हाइड्रोजन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक हाइड्रोजन प्लस के रूप में है। यहाँ देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन में बेटा पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन से, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन से शेयरिंग किया, यहाँ देखिए हो गया पांच तीन आठ, पांच तीन आठ हो गया, यहाँ देखिए एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, ये बेटा सहसंयोजक अणु है। जब इसमें हम एच प्लस जोड़ देंगे तो बन जाएगा अमोनियम, यहां देखिए एच प्लस, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टेबल होने तो होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखिए ले लिया। अब देखिए एच सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, क्वाड्रेंट वहां बेटा हम लोग बेटा माइक म्यूट कर लो नहीं तो क्लास से म्यूट करना पड़ेगा, क्लास से म्यूट कर देंगे हमेशा के लिए। हाँ देखिए बेटा अमोनिया से बना है अमोनियम आयन, अमोनिया में सहसंयोजकता होता है, अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यह अपना लोन पेयर एच प्लस को दे दिया, यहाँ देखिए यह हो गया उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध को तीर से प्रदर्शित करते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसे अम्ल कहते हैं और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्षार कहते हैं। ये बेटा क्षार है और एच प्लस बेटा अम्ल है, एच प्लस इलेक्ट्रॉन लिया नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो यह बेटा क्षार हो गया और यह हो गया अम्ल। यह था अमोनियम आयन का बनना। अब देखिए बेटा अगला है नाइट्रिक अम्ल का बनना, आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी और कोई भी यौगिक कैसे बनता है यह सजगता पर आधारित होता है, जब तक आपको सजगता का ज्ञान नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे। यहाँ देखिए नाइट्रिक एसिड, इसके पहले बेटा मैंने आपको पढ़ा था नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड में बेटा सहसंयोजकता है और नाइट्रस एसिड से क्या बना नाइट्रिक एसिड, इसमें सहसंयोजकता है। देखिए पहले हम नाइट्रस एसिड बनाएंगे, देखिए नाइट्रोजन कंटेन में पांच इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक तरफ एक ऑक्सीजन कर दे रहे हैं, यहाँ एक तरफ एक ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन कंटेन में छह इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ एक हो गया, यहाँ देखिए पाँच दो सात, सात एक आठ, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ हो गया बेटा, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन दिया तो दो लेगा छह दो आठ, यहाँ ऑक्सीजन कंटेन में छह है, एक नाइट्रोजन दिया सात, एक इससे ले लिया आठ, नाइट्रोजन को दिया था नाइट्रोजन से ले लिया सात और एक हाइड्रोजन से ले लिया, और यहाँ देखिए एक एक दो। अभी मैं यह HNO2 बना रहा हूँ, हमने आपको पहले बताया बेटा HNO2 से HNO3 का निर्माण होता है, HNO2 में सहसंयोजकता होता है और HNO3 में भी सहसंयोजकता। अब यहाँ देखिए बेटा नाइट्रोजन में लोन पेयर है
अब यहां जोड़ देंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तीन आता छह। अभी ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। बगल वाले ऑक्सीजन देखो बेटा राइट साइड, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ है, यहाँ पर साझेदारी नहीं हुआ है। यहाँ नाइट्रोजन अपना दो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को, ले नहीं रहा है, केवल दो दे रहा है। तो बेटा उस सहसंयोजकता में एक परमाणु अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है। अब यहाँ देखिए ये हो गया एच सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एम, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। इसमें देखिए बेटा एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, इसमें चार कोवेलेंट बॉन्ड है और एक क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने आपसे पहले बताया सहसंयोजक बंध चाहे जितना हो, एक भी सहसंयोजक बंध बन जाएगा उस यौगिक का नाम होगा उप सहसंयोजक यौगिक। ये पूरा यौगिक क्या हो गया, उप सहसंयोजक यौगिक। अब देखिए अब हमें बताना बेटा नाइट्रेट आयन का बनना। अब नाइट्रेट आयन कैसे बनाएंगे, नाइट्रेट आयन का बनना NO3 माइनस। यहां देखो बेटा नाइट्रोजन से तीन ऑक्सीजन जुड़ा है और एक माइनस है। एक माइनस का मतलब होता है बेटा एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो दो ऑक्सीजन के अंतिम में छह छह इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन के अंतिम में सात इलेक्ट्रॉन है। NO3 माइनस में एक ऑक्सीजन में बेटा सात इलेक्ट्रॉन है और दो ऑक्सीजन में छह छह, एक ऑक्सीजन में सात इलेक्ट्रॉन है और दो ऑक्सीजन में छह छह इलेक्ट्रॉन। देखिए एक दो तीन चार पांच, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा बेटा, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा हूं, इसमें बेटा माइनस है। जब ऑक्सीजन बेटा माइनस आ जाए तो छह इलेक्ट्रॉन से सात हो जाता है, एक बढ़ गया, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन ऊपर लगा रहा हूँ, ऊपर वाला ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता नहीं, और यहाँ जितने ऑक्सीजन दो जोड़ा हूँ नाइट्रोजन से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। देखिए नाइट्रोजन के पास पांच टन है, दो इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा सात, एक इससे ले लिया आठ। यहाँ बेटा नाइट्रोजन के अंतिम में पांच टन है, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया आठ। अब देखिए ये ऑक्सीजन अपना दो इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा तो दो लेगा, छह दो आठ। यहाँ देखिए ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक लेगा, सात एक आठ, आठ हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया छह दो आठ, यहाँ बेटा ऑक्सीजन लिया दिया नहीं, अर्थात यहाँ उससे सहसंयोजक बंध बनेगा, ये बन जाएगा वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो और क्वाड्रेंट बॉन्ड हो, यह है उप सहसंयोजक यौगिक। यदि ओ को हटा देंगे सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा, ओ जोड़ दिया गया उप सहसंयोजक यौगिक हो गया, यह हो गया नाइट्रेट आयन का बनना। अब देखिए एच टू एस ओ फोर का बनना, एच टू एस ओ फोर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एच टू एस ओ फोर, इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, या प्रैक्टिस पर डिपेंड करता आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दो बार बनाएंगे अपने आप तैयार हो जाएगा। देखिए एच टू एस ओ फोर का बनना, यहाँ सल्फर के अंतिम में कितना अटा होता है छह, एक दो तीन चार पाँच छह, सल्फर को आठ होने के लिए केवल दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन जोड़ दे रहा हूँ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बगल में, यहाँ ऑक्सीजन उसके बगल में एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ेंगे एक ऑक्सीजन नीचे, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दे रहा हूँ और एक ऑक्सीजन ऊपर, एक दो तीन चार, चार ऑक्सीजन जोड़ दिया हूँ। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, हाइड्रोजन प्रति में एक होता है,
यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ भारतीय प्रतिवेश होता है। यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन का साझेदारी नहीं करा रहा हूँ, यहाँ दो ऑक्सीजन का शेयरिंग करा रहा हूँ। सल्फर का अंतिम में छह है, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया सात, एक इससे ले लिया आठ, आठ हो गया। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो एक लेगा, छह एक सात एक आठ, हाइड्रोजन का एक एक दो। यहाँ देखिए छह एक सात, सात एक आठ, यहाँ एक एक दो। देखो बेटा यहाँ दो ऑक्सीजन के अंतिम में आठ आठ हो गया, सल्फर के अंतिम में आठ हो गया, हाइड्रोजन के अंतिम में दो हो गया। यहाँ देखिए सल्फर के अंतिम में दो दो इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका आठ हो गया, साझा नहीं करेगा या केवल देगा, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ। अभी ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा, सल्फर से, छह दो आठ। बेटा ये ऑक्सीजन केवल इलेक्ट्रॉन लिया दिया नहीं, यहाँ देखिए छह दो आठ, आठ हो गया। अब देखिए यह सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यह सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यह टू हंड्रेड बॉन्ड हो, टू हंड्रेड बॉन्ड हो, यह हो गया यह टू एस ओ फोर का बनना। एक और देख लीजिए अगला सल्फेट आयन का बनना, SO4 डबल माइनस का बनना, सल्फेट आयन का बनना। अब देखिए यहां सल्फर से बेटा चार ऑक्सीजन जुड़े हैं, दो ऑक्सीजन के अंतिम में सात सात इलेक्ट्रॉन और दो ऑक्सीजन के अंतिम में छह छह इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं ऑक्सीजन कंति में छह इलेक्ट्रॉन होता है, दो माइनस होने का मतलब हो गया, दो माइनस होने का मतलब हो गया दो ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब दो ऑक्सीजन में सात सात इलेक्ट्रॉन हो गया और दो ऑक्सीजन में छह छह। यहाँ सल्फर है एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ ऑक्सीजन देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ सल्फर कंती में छह है, जो ऑक्सीजन कंती में सात सात है। यहाँ देखिए छह दो आठ, सात एक आठ, सात एक आठ। यहाँ देखो बेटा साझेदारी हुआ है, सल्फर के अंतिम में भी आठ हो गया, दोनों ऑक्सीजन के अंतिम में भी आठ हो गया। अभी दो ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन नीचे, किससे जोड़ेंगे, उपसहसंयोजक बंध से। नीचे वाला ऑक्सीजन बेटा ऊपर वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है देता नहीं, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया सल्फर से, देखिए छह दो आठ हो गया। यह भी ऑक्सीजन सल्फर से दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, छह दो आठ। सल्फर से बेटा दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए हैं और दो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए हैं दिए नहीं है, ये बन गया सल्फर और दो ऑक्सीजन के बीच क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड, और दो ऑक्सीजन के बीच क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यह हो गया सल्फेट आयन का बनना। यह हो गया उपसहसंयोजकता के उदाहरण, हमने यहां पढ़ा विद्युत संयोजकता, दूसरा सहसंयोजकता, तीसरा उपसहसंयोजकता। एक बार ध्यान से सुनिए बेटा, तीनों दो मिनट बोलेंगे। विद्युत संयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा ऊपर प्लस चार्ज, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। यह था विद्युत संयोजकता, जैसे NaCl, MgCl2। दूसरा पढ़ाए थे सहसंयोजकता, सहसंयोजकता में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसका मतलब बेटा एक परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन देगा उससे भी उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा, तीन इलेक्ट्रॉन देगा तो तीन इलेक्ट्रॉन लेगा। यह हो गया साझेदारी। हमने आपको बता दो बेटा उपसहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता सहसंयोजक अणु के द्वारा
बनता है। जब ससंज्ञक कर्म का कोई एक परमाणु अपना एक जोड़ा निपटान दूसरे परमाणु को दे देता है तो उप ससंज्ञक बंध का निर्माण होता है। अब बेटा आप बताएंगे उप ससंज्ञक बंध के लक्षण, उप ससंज्ञक बंध के लक्षण। लक्षण में बेटा पहला लक्षण है उप ससंज्ञक यौगिक जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। बेटा उप ससंज्ञक यौगिक का लक्षण ससंज्ञक यौगिक से मिलता है क्योंकि उप ससंज्ञक यौगिक का निर्माण ससंज्ञक यौगिक से होता है। उप ससंज्ञक यौगिक का निर्माण ससंज्ञक यौगिक के द्वारा होता है, इसलिए पहला लक्षण हो गया बेटा उप ससंज्ञक यौगिक जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। दूसरा है इनका क्वथनांक और गलनांक विद्युत सजगता से कम और ससंज्ञकता से अधिक होता है। इनका लक्षण सुनिए, इनका क्वथनांक और गलनांक विद्युत सजगता से कम और ससंज्ञक यौगिक से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट सुनिए बेटा, इसमें समावयवता पाई जाती है, समावयवता इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरी, इसमें समावयवता पाई जाती है। हमने कल बताया था समावयवता किसे कहते हैं, जिन यौगिकों के अणु समान हो तथा उनके रासायनिक गुण रासायनिक संरचना अर्थात संरचना भिन्न भिन्न हो, जिन यौगिकों के अणु समान हो उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो अर्थात अलग अलग समायु पाए जाते हैं उन्हें समायता कहते हैं। इसका मतलब होता है इनमें समायता पाई जाती है। पॉइंट नंबर चौथा, ये इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, इनकी एक निश्चित संरचना होती है। यह था उप ससंज्ञक यौगिक के लक्षण। अब इसमें एक टॉपिक बचा बेटा, हमने आप पढ़ा विद्युत सजगता ससंज्ञकता उप ससंज्ञकता, एक होता है बेटा मैक्सिमम को बैलेंसी अधिकतम ससंज्ञकता, एक टॉपिक है अधिकतम ससंज्ञकता। अधिकतम ससंज्ञकता साउंड म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो। अधिकतम ससंज्ञकता इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। अधिकतम ससंज्ञकता क्या है ध्यान दो, जिस परमाणु की सजगता चार से अधिक होती है वे अधिकतम ससंज्ञकता प्रदर्शित करते हैं। जिस परमाणु की सजगता चार से अधिक होता है वे अधिकतम ससंज्ञकता प्रदर्शित करते हैं। एक बार ध्यान सुनो बेटा, इसके पहले मैंने आपको बताया था जिस परमाणु के अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी सजगता एक, दो इलेक्ट्रॉन होगा सजगता दो, तीन होगा सजगता तीन, चार होगा सजगता चार, पांच होगा सजगता तीन, छह होगा सजगता दो, सात होगा सजगता एक, आठ होगा सजगता एक। देखिए आप सामने में ज्ञापन लिख रहा हूं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 2 8 1, Mg का परमाणु संख्या 12 2 8 2, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 2 8 3, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 2 8 4, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 2 8 5, सल्फर का परमाणु संख्या 16 2 8 6, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 2 8 7, आर्गन का परमाणु संख्या 18 2 8 8। एक बात पूरा ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम कोवैलेंसी अधिकतम ससंज्ञकता।
जिस परमाणु अंतिम में एक टांग था उसकी सजगता एक, अंतिम में दो टांगों का सजगता दो, अंतिम में तीन टांगों का सजगता तीन, अंतिम में चार टांगों का सजगता चार। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जिसके अंतिम में पांच टांग होता बेटा उसकी सजगता तीन भी होती है और पांच भी होती है। जब सजगता चार से अधिक हो जाए तो उसे बोलते हैं अधिकतम सजगता। इसका मतलब बेटा फास्फोरस की सजगता तीन भी होती है पांच भी होती है। सल्फर अंतिम में छह टांग होता है, इसकी सजगता दो भी होती है छह भी होती है। क्लोरीन के अंतिम में सात टांग होता है, इसकी सजगता एक भी होती है सात भी होती है। लेकिन जिसके अंतिम में आठ टांग होता है उसकी सजगता शून्य होती है। ध्यान से समझिए आप लोग, जब अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार से अधिक होता है तो आठ में से घटाते जाते थे। अंतिम में पांच टांग होता था तो आठ में से पांच घटाते थे तीन आता था। अंतिम में छह टांग होता था आठ में से माइनस करके दो निकालते थे। अंतिम में सात टांग होता था आठ में से माइनस करके वन निकालते थे। लेकिन जिस परमाणु के अंतिम में पांच इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अधिकतम सजगता पांच, जिसके अंतिम में छह इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अधिकतम सजगता छह, जिसके अंतिम में सात इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अधिकतम सजगता सात। ऐसा क्यों? ध्यान दो, कभी कभी बेटा फास्फोरस का पांचों इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है तो पांच इलेक्ट्रॉन देगा पांच इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें बेटा दस हो जाएगा। एक बेटा अष्टक नियम है, अष्टक नियम किसे कहते हैं? ऐसा परमाणु जो सजगता के बाद अंतिम में आठ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, उसे अष्टक नियम कहते हैं। सजगता के बाद जब परमाणु के अंतिम में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वे अष्टक नियम का पालन करते हैं। लेकिन जिसके अंतिम में पांच इलेक्ट्रॉन होता है वे अष्टक नियम का पालन नहीं करते। बेटा फास्फोरस के अंतिम में जब पांच इलेक्ट्रॉन होता है तो अपने पांचों इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो पांच पांच दस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब इसकी अधिकतम सजगता पांच होगी इसके अंतिम में दस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताएंगे। लेकिन जब फास्फोरस की सजगता तीन होगी तो इसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? आठ होगा। जब सल्फर की सजगता दो होगी इसके अंतिम में बेटा आठ इलेक्ट्रॉन होगा। जब सल्फर की सजगता छह होगी इसके अंतिम में बारह इलेक्ट्रॉन होगा। जब क्लोरीन की सजगता एक होगी इसके अंतिम में आठ इलेक्ट्रॉन होगा। जब क्लोरीन की सजगता सात होगी इसके अंतिम में चौदह इलेक्ट्रॉन होगा। जब बेटा अंतिम में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह अष्टक नियम का पालन करता है। ये बेटा फास्फोरस अष्टक नियम का पालन भी करता है कब? जब सजगता तीन होती है। लेकिन जब फास्फोरस की सजगता पांच होती है तो यह अष्टक नियम का पालन नहीं करता। अष्टक नियम का मतलब बेटा होता है सजगता के बाद जब परमाणु के अंतिम में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह अष्टक नियम का पालन करता है। यहाँ यह अष्टक नियम का पालन कर रहा है लेकिन जब सजगता पांच हो जाती है तो अष्टक नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार से सल्फर के अंतिम में जब दो इलेक्ट्रॉन होता है, जब सल्फर की सजगता दो होती है तो अष्टक नियम का पालन करता है। लेकिन जब सल्फर की सजगता छह हो जाती है तो अष्टक नियम का पालन नहीं करता। क्लोरीन की सजगता एक होने पर अष्टक नियम का पालन करता है लेकिन जब क्लोरीन की सजगता सात हो जाती है अष्टक नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब बेटा जिस परमाणु के अंतिम में पांच छह सात इलेक्ट्रॉन होता है उसकी रियल वैलेंसी तीन, मैक्सिमम वैलेंसी पांच। जिसके अंतिम में छह इलेक्ट्रॉन होता है उसकी रियल वैलेंसी दो, मैक्सिमम वैलेंसी छह होता है। जिसके अंतिम में सात इलेक्ट्रॉन होता है उसकी रियल वैलेंसी वन, मैक्सिमम वैलेंसी सात होता है। लेकिन जिस परमाणु के अंतिम में आठ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी शून्य होती है, क्योंकि ऐसे परमाणु दूसरे परमाणु से संयोग नहीं करते। जब संयोग नहीं करेंगे
तो ऐसे परमाणु की सजगता नहीं होती। यह था मैक्सिमम कोवैलेंसी। इसका मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूं, एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, SCl6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, IF7। देखिए बेटा, यहां सल्फर के अंतिम में देखिए, यहां फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़ा है, अर्थात फास्फोरस सत्ता 5 हो गई। यहां सल्फर से 6 क्लोरीन जुड़ा है, सल्फर की सजगता 6। आई से 7 क्लोरीन जुड़ा है, आयोडीन की सजगता 7। ये भी समझ लीजिए बेटा, फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। जब PCl3 बनाएगा अष्टक नियम का पालन करेगा, और PCl5 बनाएगा अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। यहां देखिए बेटा, फास्फोरस ने PCl5 बनाया, देखिए इसका स्ट्रक्चर। PCl5 का बनना फास्फोरस के अंतिम में कितने प्रांत है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहां देखिए फास्फोरस के अंतिम में कितने प्रांत बेटा, 5, 5 प्रांत है। क्लोरीन के अंतिम में कितने प्रांत है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां देखिए क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां देखिए क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां देखिए क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फास्फोरस के अंतिम में 5 टर्न होता है। फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे। देखिए फास्फोरस के अंतिम में कितना टर्न हो गया, 10। फास्फोरस के पास बेटा 5 टर्न था, 5 क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लिया, कितना हो गया, 10। जबकि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में साझेदारी करने के बाद 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां कितना हो गया, 10। अर्थात ये फास्फोरस अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है। यहां क्लोरीन कितना हो रहा, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8। ध्यान दे बेटा, यहां फास्फोरस अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन क्लोरीन अष्टक नियम का पालन कर रहा है। ये हो गया PCl5 की संरचना, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान समझिए, यहां फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन साझा किया, फास्फोरस की वैलेंसी 5, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, क्लोरीन की वैलेंसी 1। यह हो गया PCl5 का बनना। इसी प्रकार से बेटा SF6 बनेगा, IF7 बनेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस नेक्स्ट डे। 12:30 बजे से मैथ की क्लास, 12:30 बजे से बेटा मैथ की क्लास चलेगी।